हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग हैं अभी एयर टच के स्टॉल पे। स्टॉल पे हमने क्या देखा, ये एक रोबोट है जो कि क्लीनिंग कर रहा है पैनल्स की। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? हाय हितेश। अमित, तो सर क्या है एग्जैक्ट, इसका क्या प्रोसेस है, कुछ थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में? सो बेसिकली दिस इज़ अ डिवाइस विच क्लीन दी सोलर पैनल्स। ओके, तो सोलर पैनल बड़े पावर प्लांट्स में पानी की ज़रूरत कम पड़े, क्योंकि पानी अवेलेबिलिटी की कंसर्न होती है, मैन पावर लगती है जो कि सोलर पैनल्स को क्लीन करती है। बिल्कुल, उसकी जगह पे वी हैव इन्वेंटेड दिस पर्टिकुलर रोबोट। दिस विल क्लीन दी पैनल्स ऑटोमेटिक। तो ये पैनल पे चलेगा, पैनल से ब्रश से ये क्लीन करेगा, क्लीन करके इसको साफ करेगा, और ये कंटिन्यूस सारे बड़े पावर प्लांट्स में आजकल इसी को यूज़ किया जा रहा है। इट विल सेव वाटर, ऑल्सो टाइम भी, मैन पावर को भी बचाएगा, सेव करता है। तो ये पहला प्रोडक्ट है आपका या कोई और भी इससे पहले? इससे पहले हम लोग अपने, ये हमारी फिफ्थ जनरेशन है। ओके, सो इसमें हम लोगों ने पहले, हम लोग माइक्रो फाइबर यूज़ करते थे, विच इज़ अ काइंड ऑफ क्लोथ जो कि वो पैनल्स को क्लीन करता था। इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है, ये हमने ब्रश के साथ में लॉन्च किया है। ओके, सो अब ये ब्रश के साथ में इसको क्लीन करेगा। ब्रश का फायदा ये है कि जिस एरिया में, जैसे सी के पास अगर कोई पावर प्लांट है, बिल्कुल विच हैव दी ह्यूमिडिटी हाई, तो वहाँ पे क्लोथ की जगह पे हम लोग ब्रश यूज़ कर सकते हैं टू क्लीन दी पैनल्स। तो उससे ब्रश से इम्पैक्ट पड़े, क्लीननेस जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ? ज़्यादा बेटर हो जाएगी, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। ओके, एनवायरमेंट में बिल्कुल, उसमें ब्रश को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लोथ में एक कंस्ट्रेंट था, वो तो वो भी हम लोगों ने खत्म कर दिया और ये एक नया टाइप का इसको लॉन्च किया। ओके, तो इसकी अच्छी बात यह है, ये अपने आप को चार्ज करता है, अपने आप काम करता है, इसके लिए कोई मैन पावर की जरूरत नहीं है। एक बार लॉन्च हो गया तो अपने आप जाएगा और वाटर को सेव करता है। तो मतलब इसको बिजली पानी किसी इंसान की किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद से ही काम करेगा, खुद से ही काम करेगा, जैसा रोबोट करता है वही सेम ही है। और ये पूरा पूरे प्लांट में ऑटोमेटिकली चलता है, हम कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और ये मिनिमम या मैक्सिमम क्या ऑर्डर्स होते हैं, मतलब आप जो रोबोट्स जो भेजते हैं वो क्या मिनिमम क्वांटिटी पे या कितने बड़े एरिया के लिए ऑर्डर किए जा सकते हैं? जैसे बहुत बड़े क्लाइंट्स के लिए हम लोग छोटे पावर प्लांट्स भी करते हैं। ओके, पर जनरली हम लोग 50 मेगावाट के पावर प्लांट्स पे काम, 50 मेगावाट मिनिमम आपको चाहिए होगा। नो बट इट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि आजकल इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो इतने बड़े प्लांट्स को अपना वो कर पाए। और इससे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है हमारी, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी हम लोग वारंटी भी देते हैं अवेलेबिलिटी की, इस रोबोट की अवेलेबिलिटी की 99% अवेलेबिलिटी की। और इससे हमारी जनरेशन 1.3 टाइम्स बढ़ जाती है। ओके, जो पावर प्लांट में जनरेशन होती है उसमें 1.3 टाइम का इजाफा होता है और जनरेशन बहुत बेटर हो जाता है। बिल्कुल, नो इट्स गुड, ग्रेट प्रोडक्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।